Thermodynamics. So here is our second topic, that is Gibbs energy change, delta G and equilibrium. So equilibrium, as you all know, means both sides are equal. Equilibrium, I can say, it's a reaction. एक simple सा example मैं आपको दूँ. अगर आपने hot water लिया हुआ है और hot water के अंदर आप तब तक cold water मिला रहे हैं जब तक hot and hot is not equal to cold. So the particular situation comes out to be, we say it as the water is in equilibrium. अब वो hot भी नहीं रहा और वो cold भी नहीं रहा. वो जो position है, जब hot equal to cold is known as equilibrium. ये एक simple सा आपको example दिया है. तो यहाँ पे हम देखेंगे for a chemical reaction occurring at constant temperature and pressure, three energies related with equilibrium constant. अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, ऑलरेडी चैप्टर इक्विलिब्रियम इज नॉट डन, तो आपको शायद ये थोड़ा समझने के लिए दिक्कत होगी, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट, बिकॉज ये जो ये क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली आपको कब क्लियर होगा, जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टडी करेंगे. लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में आपको बता दूंगी, जिससे आपको समझने के लिए बहुत ही ईजी रहेगा. तो फ्री एनर्जी इज रिलेटेड विद इक्विलिब्रियम. तो व्हाट इज फ्री एनर्जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्री एनर्जी इज यूजफुल वन. तो इट इज रिलेटेड विद इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जो हम इक्विलिब्रियम चैप्टर से उसको के बुलाते हैं. ऑफ द रिएक्शन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन. तो चलिए आइए, लेट अस अज्यूम द रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रहा है, दैट इज ए प्लस बी गिव्स मी सी प्लस डी इज एट इक्विलिब्रियम. तो जब वो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तब फ्री एनर्जी चेंज, that is delta G, मतलब free energy, R किसके लिए? Reaction, that is for the reaction is equal to zero. So now from chapter equilibrium we have the formula as delta G R, मतलब free energy for the reaction, plus R T ln K. ये क्या है? Equilibrium constant is equal to zero. Applying the mathematical formula, delta G R, which is equal to minus RT ln K. Now this ln is to be converted into logarithm. So according to mathematical terminology, जब ln को log में convert करना होता है, we are multiplying it with 2.03. तो ln आराम से हमारा log में convert हो जाएगा. तो देखिए delta G R मतलब वो क्या है? Free energy for the reaction, which is equal to माइनस 2.03 RT log K. अभी ये कहाँ से आया है? डेल्टा एक्स माइनस जी डेल्टा एक्स. देखिए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एक्स. ये हम ऑलरेडी वी नो. तो ये यहाँ से आया है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और विच इज इक्वल टू माइनस 2.03 RT log K. अभी ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है, इट कम्स फॉर द न्यूमेरिकल इक्वेशन. आपको दिस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है, कभी एंथैल्पी टेंपरेचर एंट्रोपी, और आपको फाइंड करना रहता है दिस के. तो ये वाला जो टू इक्वेशंस आर देयर, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क एमसीक्यू, इट इज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो ये दोनों मैंने आपको लगा के दिखाया है. दो तरह के रिएक्शन रहते हैं. वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन वेर एनर्जी इज एब्सॉर्ब, एंड वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन वेर एनर्जी इज इवॉल्व. तो एक्सोथर्मिक हमें कहाँ से पता चलता है? जब हमारी कुछ वैल्यू नेगेटिव आती है, तब हमें ऑटोमेटिकली मालूम हो जाता है कि यहाँ में वैल्यूज आर नेगेटिव, सो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक. वैल्यूज आर पॉजिटिव, सो द रिएक्शन विल बी ओके एंडोथर्मिक. तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ये वाले इक्वेशन को लेके तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, वी नो दैट फॉर ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये चीजें आपको याद रखनी है. वी नो दैट फॉर ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए. सो रिलेटिंग दिस विद द अबव रिलेशन ऑफ
वैल्यू जो यहाँ पर होगी ऑलवेज ग्रेटर देन वन। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो ऑटोमेटिकली डेल्टा जी नेगेटिव होगा। एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, देखिए यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ पे वन लगा दीजिए तो डेल्टा जी ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आएगा, तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड रिकॉर्ड ऑन इट्स ओन। अगर यहाँ पे जो वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जी इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड इफ k की वैल्यू 1 रहेगी, क्लियर है k की वैल्यू 1 रहेगी तो डेल्टा जी कम्स आउट टू बी जीरो एंड द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो ये वाला जो है आपको लर्न बाय हार्ट करना ही है, एल बी एच, ठीक है ये वाला क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, अभी एक्सोथर्मिक की हम बात करें, वी नो दैट फॉर ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच वैल्यू इज नेगेटिव, पॉजिटिव, सो आई हैव वन इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एच विच इज गिव्स हैवमोज इक्वेशन। सो फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस इट इज क्वाइट सिंपल, यहाँ पे थोड़ा मेरे साथ बने रहे आप लोग, फोकस कीजिए किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे डेल्टा एच, देखिए हमें कोई भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव। और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक की वैल्यू भी यहाँ पे नेगेटिव की होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एच, तो डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव 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 पॉजिटिव की पर सॉरी नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या होगा देखिए डेल्टा एच की अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है, टी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, टी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। मतलब इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा लॉजिक है, आपको दिखा रही हूँ एग्जाम्पल को लेके, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे माइनस टेन वैल्यू लगा दी, देखिए माइनस, फिर ये माइनस है, टी डेल्टा एक्स की वैल्यू भी माइनस हंड्रेड है, तो ये क्या हुआ प्लस हुआ, तो हंड्रेड माइनस टेन तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा नाइनटी, तो इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो इफ डेल्टा जी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अभी चलिए यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव ही था, यहाँ पर डेल्टा एच में नेगेटिव ही लगाना है, यहाँ पर स्मॉल वैल्यू रखी हुई थी, यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू एज लार्ज एज पॉसिबल एक बड़ी सी वैल्यू लगा दीजिए, टी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव अभी एज लार्ज एज पॉसिबल, तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने बहुत बड़ी एक वैल्यू लगा दी एज लार्ज एज पॉसिबल, इतनी बड़ी वैल्यू, फिर टी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। टी डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव तो नेगेटिव थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रखना मेरे साथ, एज लार्ज एज पॉसिबल, तो ये जो वैल्यू है टी डेल्टा एस की भी एज लार्ज एज ही होगी, लेकिन मेरे साथ आइए अगर ये भी एज लार्ज एज है तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी वैल्यू, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ये एक अजम्पशन है, इससे ज्यादा बड़ी तो ऑटोमेटिकली डेल्टा जी विल कम आउट टू बी नेगेटिव, एंड इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन द रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये जो टॉपिक है आपको इजीली तब समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकली क्रूड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब वो आराम से आपको पता चल जाएगा किस तरह से नेगेटिव किस तरह से पॉजिटिव वैल्यूज आती है। लेकिन वो कितना सारा है तो आपको क्लियर है, ये सारी चीजें आपको जो जो जहाँ पे भी जो याद रखना है मैंने आपको बता दिया है, लर्न बाय हार्ट क्या इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए ये हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक था, इसके बाद का एक टॉपिक बाकी है, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो stay safe, stay happy and stay tuned with me and learn chemistry. Thank you.